सब्सक्राइब कीजिए पूरो पीट चैनल को एंड हिट कर दीजिए बेल आइकन को ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुषमा, आप देख रहे हैं फूड ओपिन। तो चलिए आज कुछ नया बनाते हैं। आज हम बनाएंगे बॉइल्ड पीनट, जो कि खाने में नमकीन रहेगी और ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और इंडिया का बहुत ही ज़्यादा फेमस फूड है। ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। इसे आप घर पे ही गर्मा गर्म बॉयल करके इंजॉय कर सकते हैं। फली में मिट्टी लगी रहती है, तो इसको सबसे पहले आप क्या करें कि 15 से 20 मिनट के लिए पानी में डुबो के रख दें, तो इसकी जो मिट्टी आसानी से निकल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, एक कुकर ले लेंगे और ये जो फली है इसको हम बॉयल करेंगे। यहाँ पे हमें फली के छिलके को बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है, इसी तरीके से हमें कुकर में डाल देना है। और पानी इसमें मैं यहाँ पे 2 गिलास ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा भी हमें पानी नहीं डालना है। इसमें नमक ऐड कर देंगे नमकीन बनाने के लिए, तो नमक की मात्रा हम थोड़ी ज़्यादा ही डालेंगे, तो मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून ऐड किया है। इस समय पे आप यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप उपवास के लिए बना रहे हैं तो हल्दी को स्किप कर दीजिएगा और उपवास का नमक इसमें ऐड कर दीजिए। अब क्या करना है, कुकर की लीड को बंद कर देंगे और इसे हम गैस के ऊपर रख देंगे, गैस को ऑन कर देंगे और इसे करीब 3 से 4 सीटी देना है। गैस की फ्लेम को हाई फ्लेम पर ही रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सीटी आने वाली हैं, तो 3 से 4 सीटी हमें यहाँ देना है, कुछ ज़्यादा नहीं देना है। और इसी में हमें ठंडा होने देना है, तभी आप प्रेशर कुकर को ओपन कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ। ये देखिए फली जो है बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुकी है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। मैं यहाँ पे एक फली आपको तोड़ के दिखाऊँगी। बहुत ही आसानी से छिलते भी बन जाता है और ये मैं आपको एक दाना भी दबा के दिखा रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से दाने जो हैं बहुत अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं और इसके अंदर जो है नमक जो है बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी नमकीन फलियाँ जो हैं बनके रेडी हो चुकी है और इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। आप चाहे तो इसे पूरी छन्नी में पलटा सकते हैं। और इसमें अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काला नमक लिया है। इसके साथ में अगर फली के दाने को खाते हैं ना, बहुत ही टेस्टी लगेंगी। आप इस तरह से खाकर ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इस तरीके की बॉइल्ड फली की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आप भी इस तरीके से पीनट बॉइल कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन की बटन है, उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, ऑल को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।